नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल दिल्ली में आधी रात को आंधी आ गई, तूफान आ गया, बवंडर आ गया, सुनामी आ गई, एक पोस्टर की वजह से। जी हां, एक पोस्टर जो कि दिल्ली भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा ने जगह जगह चौराहों में सड़कों में टंगवाए थे, छपवाए थे। आप देखिए ये पोस्टर, ये रहा। और इस पोस्टर से राहुल गांधी की कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के मन में बवंडर और चिंगारियां और आग लग चुकी है और बरनौल की सख्त जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, ये पोस्टर जिसमें राजीव गांधी की फोटो है और लिखा है फादर ऑफ वोक लिंचिंग, राजीव गांधी फादर ऑफ वोक लिंचिंग। ये असल में मुद्दा ये रहा कि जो 1984 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, जो सिखों का नरसंहार हुआ था, दंगा कहना तो नाइंसाफी होगी। दंगा दो लोगों के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर एक के ऊपर अत्याचार हुआ था, हत्याएं हुई थी, इसे नरसंहार कहा जाएगा। सिखों का जो नरसंहार हुआ था उसमें राजीव गांधी का नाम आया था। राजीव गांधी ने बड़ा पेड़ गिरने की बात भी कही थी और उसमें तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा ने ये आरोप भी लगाया है कि राजीव गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इन सब ने जो है गुरुद्वारे में जाकर के गुरुद्वारे में अपने लोगों को भेज के हत्याएं करवाई थी। ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा आरोप लगा चुके हैं ट्वीट करके, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। ये रहा तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा का ट्वीट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब ये पोस्टर्स टंगवाए गए, इसके पहले भी तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा ये आरोप लगा चुके थे और ये बयान दे चुके थे कि राजीव गांधी फादर ऑफ मॉब लिंचिंग है। कांग्रेस ने इसकी जो है विवश निंदा की थी और कांग्रेस ने इसका खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी, जिसे सिरे से नकार दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। वैसे भी आजकल कांग्रेस को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सब इग्नोर कर रहे हैं। और अब वैसे ही जब मीडिया के लोगों ने तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा को कॉल किया और जानना चाहा क्या आप अपने इस पोस्टर के लिए, अपने इस काम के लिए माफी मांगेंगे, तो पता है तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा ने क्या कहा? आप खुद देख लीजिए, आई विल डू दिस अगेन। जी हाँ, ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा का रिप्लाई था। और अब आगे आने वाले दिनों में देखना बहुत ही ज्यादा रोचक होगा कि क्या होता है और तेजेंद्र पाल सिंह बग्घा फिर क्या धमाल मचाते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, दिस जट इज वेरी रिस्की। ये कांग्रेसियों के लिए है, खास करके राहुल गांधी के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।